गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास, आप सभी हिंदी की बुक निकालेंगे। हमारा चैप्टर नंबर है 12, वृक्ष हमारे मित्र। कल हमने आप सभी को समझाया था वृक्ष हमारे लिए क्यों उपयोगी है। ठीक है, आशा है कि आप सभी ने अपने घर पर रीड किया होगा, उसको अच्छे से समझा होगा, उसके कठिन शब्द भी करवा दिए थे, उसके शब्दार्थ आपको अपनी कॉपी से बुक से देख कर अपनी कॉपी में लिखने थे। आज हम उसके क्वेश्चन से करवाएंगे, आप सभी बच्चे करेंगे उसके क्वेश्चन सर। ध्यान दें सभी बच्चे, हमारे मौखिक प्रश्न है, विचार करो मौखिक प्रश्न। आपके घर में आसपास कौन से वृक्ष हैं? ये आप स्वयं लिखेंगे, आपके घर के आसपास कौन कौन से वृक्ष हैं। आगे है, आपको कौन सा वृक्ष सबसे अच्छा लगता है? आप ये भी क्वेश्चन अपने आप ही हाँ और ना में आंसर लिखेंगे, ठीक है, या उस वृक्ष का नाम लिखेंगे जो आपके घर के आसपास है। आपको कौन सा वृक्ष अच्छा लगता है उस वृक्ष का आप नाम लिखेंगे, ठीक है, स्वयं नहीं, ये नहीं लिखना कि स्वयं बताओ, उसका नाम लिखोगे। आगे है, क्या वृक्षों को काटना सही है? तो लिखेंगे नहीं। क्या है? नहीं, नहीं, वृक्षों को काटना सही नहीं है। ठीक है, ये हमारे मौखिक प्रश्न थे। अब हम चैप्टर के क्वेश्चन से करेंगे, पार्ट के क्वेश्चन से करेंगे, प्रश्न उत्तर पार्ट से। क्या समझा? पार्ट से, वृक्षों से हमें कौन कौन सी वस्तुएं मिलती हैं? पहला क्वेश्चन है हमारा, क्या समझा पाठ से, क्या है वृक्षों से हमें कौन कौन सी वस्तुएं मिलती है? सभी बताएंगे। कल हमने चैप्टर को पढ़ाया, जब आपको समझाया था कि वृक्षों से हमें क्या क्या मिलता है, फल फूल, इमारती लकड़ी और ईंधन आदि वस्तुएं मिलती हैं। सभी लिखेंगे, वृक्षों से हमें फल फूल इमारती लकड़ी और ईंधन आदि वस्तुएं मिलती हैं। वनों और वर्षा का क्या संबंध है? वन का और वर्षा का आपस में क्या संबंध है? देखिए, वनों और वर्षा का आपस में क्या संबंध है? हमने कल आपको समझाया था कि जहां पर वन अधिक होंगे, जितने हम पेड़ लगाएंगे तो वर्षा अधिक होगी। अगर हम वन को काट देंगे और फिर वहां पर इमारत खड़ी कर देंगे तो उससे से क्या होता है, हम पेड़ों को काटकर कोई फैक्ट्री बनाते हैं, कोई मील बनाते हैं, उससे सिर्फ प्रदूषण ही होता है, ठीक है। और वनों से क्या है, हमें शुद्ध हवा मिलती है। वनों के द्वारा ही हमें बारिश मिलती है, क्योंकि जहाँ पर पेड़ होंगे, जहाँ पर अधिक वन होंगे, वहाँ सबसे ज्यादा बारिश होती है। तो क्या है वन का और उसका वर्षा का आपस में कैसे संबंध, क्या संबंध है? वृक्ष जल बरसाने में सहायता करते हैं, जहाँ घने वन होते हैं वहाँ वर्षा अधिक होती है। हमने यही आपको कल चैप्टर से आपको समझाया था, हमने आपको बताया था अगर आप चैप्टर को
अच्छे से रीड करोगे तो ही आपको उसके आंसर भी समझ में आएंगे। हम आपको चैप्टर से असाइनमेंट भेजेंगे, उसमें क्वेश्चन 20 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं, उस पर आपको सिर्फ टिक का निशान लगाना है, ठीक है। क्वेश्चन अगर आपको चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो उसके क्वेश्चनों के आंसर भी आप अच्छे से दे सकते हैं। वृक्ष जल बरसाने, जल बरसाने में सहायता करते हैं। जहां घने वन होते हैं वहां वर्षा सबसे अधिक होती है। क्या है? वहां वर्षा सबसे अधिक होती है। ठीक है क्लास, समझ में आया है इतना? आप सभी क्वेश्चन को लिखेंगे, पहला और दूसरा क्वेश्चन है, आप सभी अपनी कॉपी में फिल करें इसको अच्छे से। सभी लिखेंगे इसको अपनी कॉपी में अच्छे से। फोर्थ क्लास, सभी लिखिए अच्छे से। आगे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3,
क्वेश्चन नंबर 3 लिखें, हमारी प्राचीन वन संपदा क्यों नष्ट होती गई? लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, हमारी प्राचीन संपदा, प्राचीन वन संपदा, प्राचीन वन संपदा क्यों नष्ट होती गई? क्यों नष्ट होती गई? कैसे नष्ट हुई? जैसे जैसे देश में आबादी बढ़ती गई, वैसे वैसे वनों को काटकर वहां पर इमारतें खड़े करते गए और हमारी वन संपदा थी तो वो नष्ट होती चली गई। लोगों को बसने के लिए नई बस्तियां बनाने की जरूरत थी, क्योंकि इसलिए उन्होंने क्या किया, फिर जंगलों को काटकर अपनी बस्तियां, अपनी इमारतें वहां पर खड़ी कर ली। लिखेंगे आंसर, जैसे जैसे देश की आबादी बढ़ी, वैसे ही लोगों को बसने के लिए, लोगों को बसाने के लिए नई बस्तियां बनाने की जरूरत हुई, जिसके कारण क्या है, जंगल काटने पड़े, जंगल काटने पड़े। ठीक है, सभी लिखेंगे कि हमारे देश में वन संपदा कैसे नष्ट हुई। जैसे जैसे हमारे देश की आबादी बढ़ती चली गई, वैसे ही हमारे देश की वन संपदा थी जो वो नष्ट होती गई, होती चली गई। लोग, क्योंकि लोगों को बसने के लिए कुछ घर मकान कुछ तो चाहिए था ना, इसलिए उनकी बस्तियां बनाने की जरूरत पड़ी और उन्होंने वन को, जंगलों को काट दिया, वहां पर अपनी बस्तियां बना ली। ठीक है, सभी लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, सभी लिखेंगे थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास,
आगे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर है हमारा, वन महोत्सव क्या है? हमने आपको पढ़ाया था, जब जब चैप्टर को पढ़ा था तब हमने बताया था कि वन महोत्सव क्या है। हमारे देश में वृक्ष लगाने का यह एक नया कार्यक्रम चलाया था जिसे वन महोत्सव कहते हैं। ठीक है, सभी लिखेंगे क्वेश्चन नंबर फोर, वन महोत्सव क्या है? क्वेश्चन नंबर फोर लिखेंगे, वन महोत्सव क्या है? वनों की कटाई पर सरकार द्वारा रोक लगाकर खाली जमीन पर नए नए वृक्ष लगाए जा रहे हैं। हमारे देश में वृक्ष लगाने का एक राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाया गया है। सभी लिखे सभी लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, पौधे रोपने से पहले क्या क्या तैयारियां की जाती है? जब हम पौधा लगाते हैं तो उससे पहले हम क्या क्या करते हैं?
लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर फाइव है, पौधे रोपने से पहले क्या क्या तैयारियां की जाती हैं, क्या क्या तैयारियां की जाती हैं, कौन कौन सी तैयारियां करते हैं। देखिए, पौधे लगाने से पहले गड्ढे खोदकर तैयार कर लिए जाते हैं। आंसर, पौधे लगाने से पहले गड्ढे खोदकर तैयार कर लिए जाते हैं। वर्षा होने पर उन गड्ढों में मिट्टी, खाद और कीटनाशक दवा भर देते हैं, फिर उसमें पौधे रोपे जाते हैं। ठीक है, वर्षा होने पर उन गड्ढों में मिट्टी, खाद और कीटनाशक दवा भर देते हैं, फिर उसमें पौधे रोपे जाते हैं। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था 5। सभी लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। पौधे लगाने से पहले हम क्या क्या तैयारियां करते हैं। पौधे लगाने से पहले हम गड्ढे को खोदकर उसको तैयार करते हैं, फिर बारिश होने पर जब गड्ढे में पानी भरता है उसमें मिट्टी, खाद, कीटनाशक दवाइयां डाल देते हैं, फिर उसमें हम पौधे को लगाते हैं। सभी देखें, अच्छे से लिखेंगे। सभी ने लिखा 5th क्लास, ये हमारा चैप्टर का क्वेश्चन थे 12।
कल को चैप्टर के आप सभी को अपनी कॉपी में अच्छे से फिल करने हैं। कल हम इसका आगे की एक्सरसाइज और इसका असाइनमेंट लिखेंगे। यहाँ तक आपको अपना काम पूरा करना है। ओके क्लास, थैंक यू क्लास।